हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे, दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, इस सॉन्ग को फ्लूट पर। मेरे पास में जो फ्लूट दिख रही है आपको, ये फ्लूट है सी शार्प की, सी शार्प स्केल की फ्लूट है मेरे पास में। इस सॉन्ग के जो भी नोटेशंस हैं, हिंदी के नोटेशन सारेगांव में या फिर इंग्लिश के नोटेशन एबीसीडी में, मैंने इस ट्यूटोरियल के आखिरी में रखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं और आखिरी में इसमें मैंने लिंक दी हुई है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तो दोस्तों, ये सी शार्प स्केल का सॉन्ग है और इसे हम बी फ्लैट माइनर का भी बोल सकते हैं, क्योंकि सी शार्प मेजर स्केल और बी फ्लैट माइनर स्केल के नोट्स सेम होते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सॉन्ग है कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा गाया हुआ, उस सॉन्ग को हम लोग सीख रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग होता है, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। आपको मैं बताऊंगा बजा करके पहले, फिर हम सीखेंगे। पहले आप सुन लीजिए उसको। स्टार्टिंग है, अब हम इसको सीखना शुरू करते हैं। तो कैसे होगा, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। प प ध ध ध सा नी ध ध ध ध तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। फिर से प प नी मी प प नी मी रे सा रे सा मी प द द द द उसके बाद में पार्ट है, हमिंग का पार्ट है। तो वो कुछ ऐसा है, धनी सा रे ग धनी सा प धनी, इस तरह बजेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं सॉन्ग की तरफ। अब सॉन्ग शुरू होता है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। तो ये शुरू होगा सा से, सा में हायर सा लगेगा। इसमें दो सा होंगे, एक लोअर और एक हायर। हायर जो सा होगा वहां से शुरू होगा, देखिए ये मिडिल सा है और हायर सा तो यहां से शुरू होगा। नोटेशंस के लिए आप लोग पहले काम कीजिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, लिंक में दिए हैं, उसको पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप सीखेंगे तो एग्जैक्टली आप वैसे ही बजा सकेंगे जैसे मैं बजा रहा हूं, बहुत ही आसान सॉन्ग है। तो शुरू करते हैं हर कर्म। हर कर्म अपना करेंगे, फिर से एक बार है, ए वतन तेरे लिए। उसके बाद है, दिल दिया है जा भी देंगे, सा मी प ध ध प म ग प मगर। तेरे लिए
भी नोटेशंस बजा रहा हूँ तो भी आपको साउंड समझ में आएगा। आप प्लीज 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 नोटेशंस पहले नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसमें एक बैंजो बजा हुआ है जिसकी बहुत ही हिट ट्यून है, वो ट्यून सीखेंगे हम लोग अभी। बैंजो की ट्यून जो कि इंटरल्यूड कहलाती है, उसकी ट्यून ऐसी है, मैं आपको पहले सुना देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है, कोमल ग यूज होता है, जहां पर ग के नीचे अंडरलाइन है वो कोमल ग है। कोमल ग ये शुद्ध ग है, और कोमल ग के लिए हमको रे के बाद में थोड़ा सा ऐसा खोलना पड़ेगा। देखिए ये रे है, रे को हम थोड़ा सा खोलेंगे तो कोमल ग हो जाएगा, जिसमें अंडरलाइन होगी ग के नीचे वो कोमल ग है। तो ऐसा ये ग ग ग सा ग ग स ग सा रे नी ध प प ग रे सा म द ध म म ग। अब मैंने सा डायरेक्ट नहीं बजाया, सा को ध से सा लिया, ध सा। इस ढंग से लीजिएगा, फिर रे नी ध प प इसमें ध जो है नेक्स्ट ध दूसरा ध कोमल ध है, वो कोमल ध प को थोड़ा सा खोलेंगे तब होगा। उसके बाद में जो पार्ट है वो दो बार है, ध ध ध नी सा रे सा नी ध ध ध नी सा रे सा नी। इसमें भी ध कोमल है, नी नी सा ध ध नी प प म ध म प म ग। इस पार्ट को आप रिपीट कीजिए बाद में, आपको फिर वो बैंजो जैसा फील आने लगेगा। और उसके बाद में फ्लूट का पीस है, ध प म ग द प म ग। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में था म्यूजिक का, बैंजो का इंटरल्यूड। अब उसके बाद में चलते हैं हम कर्मा के इस सॉन्ग के स्टांजा की तरफ। स्टांजा कुछ इस तरह से है, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। ये कविता कृष्णमूर्ति जी का सॉन्ग है, उसको फॉलो कीजिएगा। तो इसके नोट्स ऐसे बजेंगे, मैं आपको पहले बजा के सुनाता हूं एक बार। तो वो जब बजेगा रे से शुरू करेंगे, इतना पार्ट। अब हम सीखते हैं इसको, तू मेरा कर्मा। रे ग ग रे रे सा 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 रे 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 सा सा नी नी। फिर से
लेकिन इस ढंग से लेगा। उसके बाद में एक कोरस शुरू होता है, ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, ये दो बार बजेगा, ये भी इजी है। ग म प प म ग म प प ग म प स प प म ग, मोहम्मद अजीज की आवाज में, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो इसका हम शुरू करते हैं नोटेशन, ग ग ग रे 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 सा नी ध नी रे नी ध प। इसमें जो यहां पर ग पहला ग जो बजा उसका थोड़ा सा गैप है लंबा, उसके बीच में अंदर लाइन खींची हुई है, और उसके बाद में जब हम रे बजाएंगे तो उसको कोमल रे बजेगा, एक बार कोमल रे बजेगा, बाकी दो बार शुद्ध रे बजेंगे, तो वो ऐसा बजेगा। पहले सुन लेते हैं उसको, ऐसा बजाएंगे, मैं आपको सिखाता हूं फिर से इसको, ग है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, वो जो हमने इसके पूर्व में बजा चुके हैं वही पार्ट आपको रिपीट करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूं इस ढंग से आप पूरा सॉन्ग सीख गए होंगे, और स्वतंत्रता दिवस की एक बार आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और इस गाने को सीखिए और दोस्तों को सुनाइए, और अपने जो देशभक्ति से संबंधित भावनाएं हैं वो आप प्रकट कीजिए और लोगों को भी सुनाइए। थैंक यू।